हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैट कनीषा। तो दोस्तों, वट सावित्री रथ पर करें ये तीन उपाय, पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन हो सकता है आपका खुशहाल। जी हाँ दोस्तों, बात करें दोस्तों वट सावित्री पूर्णिमा के दिन आप ये सिर्फ आसान उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, ये करने से आपकी तमाम इच्छा पूर्ण होगी और आपकी पति की आयु लंबी जरूर होगी और आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल होगा। तो चलिए जानते हो दोस्तों ऐसे कुछ खास उपाय के बारे में। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत वाले दिन आप देववृक्ष कहे जाने वाले बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। वट वृक्ष की 7 या 11 बार परिक्रमा अवश्य करें। दोस्तों, उसमें कच्चा सूत लपेट ले, कच्चा सूत ना मिले तो रक्षा सूत्र भी लपेट सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद वट वृक्ष को जल अर्पित करें, वट सावित्री व्रत की कथा सुने, उसके बाद यम से पति की लंबी आयु की प्रार्थना करें। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सुरक्षित और दीर्घायु हो जाएगा। तो दोस्तों, ये अवश्य करें। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कलह है तो उसे दूर करने और खुशहाल बनाने के लिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। दोस्तों, यहाँ पर घी का एक दीपक जलाएं। तो दोस्तों, बरगद के पेड़ की 11 बार परिक्रमा अवश्य करें। लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। आपसे संभव हो तो ये उपाय प्रतिदिन भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आप पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है तो आप वट सावित्री व्रत के अवसर पर माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। माता लक्ष्मी जी को पीले रंग की 11 कौड़ियाँ चढ़ाएं। पीली कौड़ियाँ नहीं है तो सफ़ेद कौड़ियों पर हल्दी लगाकर चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, पूजा के बाद उन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से आपके धन संपत्ति में वृद्धि होती है और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। तो दोस्तों, इस दिन ये बात अवश्य करें, ये काम अवश्य करें, इससे आपको फायदा ही होगा। तो दोस्तों, आपकी वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और कमेंट्स में जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।